नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी हूं, आप दी Lallantop.com देख रहे हैं। आज तारीख 15 मई 2018 है और आज की बड़ी खबर, कर्नाटक का चुनाव तो है ही, जहां पर कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ रही है, कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है। कांग्रेस से ज़्यादा एक व्यक्ति के लिए अच्छी खबर है, व्यक्ति जिसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। जी, नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कमेंटेटर, वर्तमान में किराए पर जाकर ठाके लगाने का काम करने वाले, साथ में कांग्रेस के विधायक और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री। नवजोत सिंह सिद्धू, 1988 का रोडरेज का मामला, पटियाला में हुआ मामला, जिसमें पार्किंग को लेकर उनका एक बुजुर्ग से झगड़ा हुआ, उनके साथ एक और दोस्त थे और उन बुजुर्ग की मौत हो गई। मौत की प्राथमिक वजह बताई गई हार्ट अटैक। उसके बाद मामला चलता है कोर्ट में, स्थानीय कोर्ट में सिद्धू बरी होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में राज्य सरकार अपील करती है। प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी उस वक्त, अपील होती है और हाई कोर्ट में सिद्धू को साल 2006 में दोषी करार दिया जाता है और उसके बाद सिद्धू को अमृतसर की लोकसभा की सीट से इस्तीफा देना पड़ता है, जहां से वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली मर्तबा सांसद चुने गए थे। वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा पर रोक लगा देती है, स्टे लगा देती है। उसके बाद दोबारा उपचुनाव होते हैं, सिद्धू जीतते हैं और तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा था। पिछले कुछ महीनों में उस मामले में तेजी आई थी, बचाव पक्ष की दलीलें थीं, आरोप लगाने वाले पक्ष की दलीलें थीं, सिद्धू के कई इंटरव्यू पेश किए गए और कई चीज़ें पेश की गईं। इन सब की सुनवाई के बाद अभी कुछ देर पहले 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त दोषी नहीं हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को राहत मिल गई है। उनके राजनीतिक भविष्य पर कई अटकलें लगाई जा रही थी, अंदेशे जताए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि अमरिंदर सिंह की सरकार उनकी पैरवी नहीं कर रही, अपना स्टैंड चेंज नहीं कर रही वगैरह वगैरह, लेकिन अब इन सब की नवजोत सिंह सिद्धू को ज़रूरत नहीं है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को एक मामले में दोषी पाया गया है और वो मामला कानून के लिहाज से बहुत हल्का मामला है, जिसमें कहा गया है कि वो झगड़े के दोषी हैं, जिसमें 1 साल की सज़ा या 1,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों, ये अधिकतम होता है। अब इसमें क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन इससे उनकी विधायकी, उनका मंत्री पद कतई खतरे में नहीं है, नेता के तौर पे उनका भविष्य सुरक्षित है। ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे साथी परवीन डोगरा। बताइए परवीन, ये कब, अभी क्या फैसला आया, सबसे पहले तो ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्लेनेंट है वो गए थे और इनका मामला सुना गया, तो उसमें सिद्धू को एक्विट कर दिया है मामले से और 1,000 का जुर्माना लगाया गया है। 1,000 जुर्माना, आप बता रहे थे आरएफए में कुछ डिटेल्स आए थे, क्या है वो डिटेल्स? जी, सबसे बड़ी डिटेल, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये ना एमएलए और मिनिस्टर रह सकते हैं, क्योंकि 3 साल या उससे ज्यादा की सजा होती तो फिर इनकी विधायकी भी जाती और मंत्री भी जाती। 323 में दोषी पाए गए, तो 323 मतलब मारपीट में दोषी पाए गए, उसका मतलब है कि ये इनको 1 साल की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना, ये दोनों हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं, तो सिर्फ मैक्सिमम इनको ये मिल सकता है। तो पर मेन जो था, कोर्ट का जो फैसला था वो पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, पहले स्टे लगाया और फिर पलट दिया। फैसला क्या है, जरा विस्तार से बताएंगे? ये तो ये उनके उन्हीं दिनों की तस्वीर लग रही जब एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारी दलीलें दी गई थी। ये है मामला, 1988 में अपने दोस्त रूपिंदर सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू कार से जाते हैं पटियाला के शेरा वाले गेट की मार्केट, घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। टेक्स्ट क्या दिखा रहे हो, तो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे दिखाओ। स्टेट बैंक के सामने पार्किंग थी, पार्किंग को लेकर उनका एक बुजुर्ग थे वहां पे, गुरनाम सिंह। तो सिद्धू, नवजोत सिंह और रूपिंदर सिंह संधू, इनका गुरनाम सिंह से झगड़ा होता है, गुरनाम सिंह के साथ उनका भांजा भी था और भांजे ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने पेट में घुटना मार के गुरनाम सिंह को नीचे गिरा दिया। उसके बाद गुरनाम सिंह को दिल का दौरा पड़ता है, दिल के दौरे पड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाता है, जहाँ पे उनको मेडिकल भाषा में ब्रॉड डेड, यानी कि जब लाया गया तब जिसको लाया गया वो मर चुका था, ऐसा घोषित किया जाता है। और उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो दिल के दौरे की बात सामने आती है। ये क्लियर नहीं हो पाया था, घुसा मारने से ही उनकी मौत हुई है, तो इसी को अपना डिफेंस बना के सिद्धू ने अपना केस प्रेजेंट किया। और मेरे ख्याल से घुसा मारने से तो वो नहीं आ सकता है, दिल का दौरा नहीं आ सकता। शिकायतकर्ता ने यही कहा था कि इनकी मारपीट की वजह से उनकी मौत हुई है, मगर ये इनके डिफेंस में काम आया कि वो प्रूव नहीं कर पाए मेडिकली कि दिल का दौरा। जी, और ये भी कहा गया कई लोगों ने कि उन्होंने बल्ला निकाल के मारा था, ऐसी तमाम बातें हुई। लेकिन 1999 में सेशन कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया गया था।
लोगों को लग रहा था कि अब ये मामला खत्म हो गया है, तब तक सिद्धू रिटायर भी हो चुके थे, कमेंट्री शुरू करने में भी कुछ वक्त था, पॉलिटिक्स में आने में भी उनका कुछ वक्त था, लेकिन 2002 में प्रकाश सिंह बादल की सरकार इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करती है और उसके कुछ दिनों के बाद सत्ता में परिवर्तन होता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आती है और वो उस मामले को जारी रखती है। 2004 में जब सिद्धू जब पाकिस्तान से कमेंट्री वगैरह करके लौटते हैं और अमृतसर से पर्चा दाखिल करते हैं तो वो भाजपा बनाम कांग्रेस वाला भी मामला हो जाता है। और फिर 1 दिसंबर 2006 को जस्टिस मेहताब सिंह और बलदेव सिंह की हाईकोर्ट बेंच ने सिद्धू और उनके दोस्त को दोषी माना था। 5 दिन बाद सजा सुनाई गई, 10 साल की सजा सुनाई जा सकती थी, लेकिन 6 दिसंबर को 3-3 साल की सजा सुनाई गई, 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा। 10 जनवरी 2007 तक का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए, उससे पहले सिद्धू ने इस्तीफा दिया, अपील सरेंडर किया, गिरफ्तार हुए, फिर बेल मिली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जहां पे उनको जमानत भी मिली और स्टे भी दिया गया और उसके बाद वो एक बार फिर से उपचुनाव में आए और अब उनको फाइनली बरी कर दिया गया है उस मामले से। कुछ दिन पहले जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि एक इंटरव्यू का हवाला दिया था जिसमें सिद्धू ने एक पुराने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि कबूला था कि हाँ उनसे गलती हुई है और उनकी मारपीट से उनकी मौत हुई है, तो उसको बड़ा सबूत बनाकर वो शिकायतकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कुछ दिन पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उनको लौटा दिया कि आपको अगर दोबारा केस फाइल करना है तो आप निचली अदालत से दोबारा पर्स्यू कीजिए। आप इस लेवल पे मतलब बहस के इस चरण में आके नए केस और वो भी जो बयान है उसको आधार बना के नहीं कर सकते। और चौंकाने वाली बात यह भी रही है कि पंजाब सरकार ने यानी अमरिंदर सिंह की सरकार ने सिद्धू के इस केस को वापस नहीं लिया या इस तरह के कुछ भी, उल्टा सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप इस केस को आगे परस्यू कीजिए। तो उसकी दो व्याख्याएं हुई, कई लोगों ने कहा कि अमरिंदर सिंह वैसे भी सिद्धू को पसंद नहीं करते हैं, अमरिंदर सिंह को ये भी लगता है कि आगे चल के वही उनकी राजनीतिक चुनौती होंगे, और दूसरी चीज़ ये भी कही गई कि जो आप 10 साल से कोर्ट में जो आपका स्टैंड है आप उसको कैसे बदल सकते हो, तब भी तो कोर्ट फटकारेगा। बिल्कुल, तो अभी आज की जो खबर है वो सिद्धू के लिए बड़ी राहत भी है और आगे इनके पॉलिटिकल करियर को भी आगे एक्सटेंशन, क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन हो गया। चलिए, आपने नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ शेरी पाजी के बारे में जाना जिनको सुप्रीम कोर्ट ने गुरनाम सिंह की गैर इरादतन हत्या के 1988 में दर्ज हुए मामले में बरी कर दिया है। 2007 की शुरुआत में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे दिया था और अब 11 बरस बाद उनको बरी कर दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए राहत की बात है, उनके नए राजनीतिक आका सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ये इकलौती राहत की बात है, क्योंकि बाकी तो जो है वो कर्नाटक के चुनाव हैं जहाँ पे शिराजा बिखर गया है और बुरी गत हुई है कांग्रेस की। आधे एग्जिट पोल्स में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, आधे में करीबी अंतर से दूसरी बड़ी पार्टी थी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है और कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया है, ऐसा रुझानों में लग रहा है। आप देख रहे हैं dlallantop.com। शुक्रिया।